केंद्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की कैबिनेट बैठक ने दी मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का किया समर्थन। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्ष के महागठबंधन को दिया करारा झटका। इस वर्ष के अंत में तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किसी भी तरह के गठबंधन से किया इनकार। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर आज से हुआ शुरू। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। नमस्कार, मैं हूं अनिल और अब इस बुलेटिन के समाचार विस्तार से। त्योहारों से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। इससे किसानों की आय में 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करती रही है। मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर किसानों की आय दोगुनी करने की कोशिश कर रही है। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं और चना समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जोरदार इजाफा किया गया है। हमारी सरकार का एक निर्णय है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए और आज जो एमएसपी हमने फिक्स किया है इससे किसानों को 62,635 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 105 रुपया प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। गेहूं की फसल की उत्पादन लागत अभी 866 रुपये प्रति क्विंटल है और अब इसका एमएसपी 1,840 रुपये होगा, यानी 112.5% का फायदा हुआ है। जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 30 रुपया प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। जौ की फसल की उत्पादन लागत अभी 860 रुपये प्रति क्विंटल है और अब इसका एमएसपी 1,440 रुपये होगा, यानी 67.4% का फायदा हुआ है। चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 220 रुपया प्रति क्विंटल का फायदा किया गया है। चने की फसल की उत्पादन लागत अभी 2,637 रुपये प्रति क्विंटल है और अब इसका एमएसपी 4,620 रुपया होगा, यानी 75.2% का फायदा हुआ है। मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 225 रुपया प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। मसूर की फसल की उत्पादन लागत अभी 2,532 रुपये प्रति क्विंटल है और अब इसका एमएसपी 4,475 रुपये होगा, यानी 76.7% का फायदा हुआ है। सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 200 रुपया प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। सरसों की फसल की उत्पादन लागत अभी 2,212 रुपये प्रति क्विंटल है और अब इसका एमएसपी 4,200 रुपया होगा, यानी 89.9% का फायदा हुआ है। कुसुम तेल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 845 रुपया प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। कुसुम तेल की फसल की उत्पादन लागत अभी 3,294 रुपये प्रति क्विंटल है और अब इसका एमएसपी 4,945 रुपये होगा, यानी 50.1% का फायदा हुआ है। गौरतलब है कि इस साल बजट में केंद्र सरकार ने एमएसपी को उत्पादन लागत का 1.5 गुना तय करने की घोषणा की थी। इस साल जुलाई में धान समेत सभी फसलों के एमएसपी में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी और अब रबी फसलों के एमएसपी में इजाफा कर केंद्र ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट के कुछ और फैसलों की बात करें तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 2 शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो के निर्माण को मंजूरी दी है। दोनों शहरों के मेट्रो के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य की 50-50% की हिस्सेदारी होगी और ये परियोजना 4 सालों में पूरी होगी। लगभग 27.87 किलोमीटर के टोटल लेंथ पर ये मेट्रो रेल चलेगा भोपाल में, जिसके लिए एमपी मेट्रो रेल एंटिटी की स्थापना भी की गई है। इंदौर में 31.55 किलोमीटर मेट्रो रेल की स्थापना होगी।
मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके नेपा नगर स्थित नेपा लिमिटेड में मजदूरों के हित में 469 करोड़ रुपए के पैकेज से मिल के पुनरुद्धार का फैसला किया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन संस्थान बनाने का भी फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने रेलवे के स्टेशनों के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम फैसला लेते हुए नोडल एजेंसी इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाने का फैसला किया है। रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य अब उत्पादन लागत से बहुत अधिक है। 18-19 मौसम की जो रबी की फसलें हैं उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें गेहूं पर 105 रुपये, जौ पर 30 रुपये, चना पर 220 रुपये, मसूर पर 225 रुपये, तोरिया एवं सरसों पर 200 रुपये और कुसुम पर 845 रुपये की वृद्धि की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति, जीवंत लोकतंत्र और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत के योगदान को देखते हुए भारत इस सीट का सच्चा हकदार है। भारत दौरे पर आए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट के दावे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक शक्ति, जीवंत लोकतंत्र और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारत के योगदान को देखते हुए भारत इस सीट का सच्चा हकदार है। India is becoming a global economic powerhouse. India is a country with a very strong presence in peacekeeping operations, always in the first places in peacekeeping operation. India is a vibrant democracy. So I think that if there is a country that would justify its presence permanently in the Security Council, is a country like India. एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पर्यावरण संरक्षण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार पर्यावरण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए गंभीर प्रयासों को मान्यता देता है। The work that your Prime Minister has done as a global leader in relation to push not only for India but for all countries to address the climate change challenge justifies his award, the award to him as a champion of the earth. सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत के गंभीर प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में कई अन्य देशों से काफी आगे निकल चुका है। India is is very committed. The goals have been embedded in the Indian strategic planning and in India's objectives for development. So I'm very optimistic about India. But if one looks globally and if we look at present statistics, we are moving in the right direction, but not fast enough. आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सदस्य देशों से आतंकवाद की परिभाषा पर एक राय बनाने को कहा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्ष के महागठबंधन को करारा झटका दिया है। बसपा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों को अपने दम पर अकेले लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने कांग्रेस पर मद में चूर होने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी की गलतफहमी के साथ साथ उसका अहंकार भी अब सर चढ़कर बोलने लगा है। जमीनी वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी को उसकी अपार गलतियों वह भ्रष्टाचार आदि के लिए देश की जनता काफी कड़ी सजा दिए जाने के बावजूद अभी उसे भी माफ करने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ेगी। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा और कांग्रेस के बीच गठजोड़ में आ रहे गतिरोध पर कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गठबंधन को मजबूत करने के लिए वो दो चार कदम पीछे हटने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी विपक्ष गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा और कलेक्ट्रेट परिसर का नया भवन बनेगा और इसका विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक प्रदेश के प्रत्येक परिवार को शौचालय निर्माण हेतु धनराशि मिल जाएगी। डेढ़ वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश नेशनल जो एवरेज का कवरेज था वह था 66%, हमारा था 40 से नीचे था और आज नेशनल कवरेज है 94% और उत्तर प्रदेश का 99% है। एक वर्ष में 1,44,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण पूरे देश के प्रदेश के अंदर हम लोगों ने किया और उस एक गाथा को लेकर के हमारा प्रयास है 30 नवंबर तक हम प्रदेश के अंदर बेसलाइन सर्वे के अनुरूप हर परिवार के को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य करें। पश्चिम में विकास बहुत हो गया है, अब थोड़ा पूरब का भी हम विकास कर लें और पूरब के विकास की नींव उन्होंने 2016 में गोरखपुर से की थी जब गोरखपुर में एक साथ फर्टिलाइजर कारखाना और एम्स का शिलान्यास का कार्य उन्होंने गोरखपुर को की दिया था। गोरखपुर को मिली हुई ये दो चीजें गोरखपुर को एक नई पहचान देती है। आज गोरखपुर कह सकता है कि हम एम्स हमारे पास है, गोरखपुर एम्स। आज गोरखपुर कह सकता है कि किसानों के लिए और उनकी आय को दुगना और कई गुना करने के लिए हमारे पास अपना एक खाद का कारखाना है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर बिहार और नेपाल की व्यापक तराई के भूभाग को अन्न उत्पादन के रूप में कई गुना किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। हमीरपुर जिले में डिजिटल मुहिम के तहत जिलाधिकारी के संरक्षण में जिले की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नई पहल नाम से डिजिटल क्लासेस चलाई जा रही हैं। इस नई पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। डिजिटल क्लासेस में जिले के अधिकारी भी समय समय पर अपनी सेवाएं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को प्रदान कर रहे हैं। खाद्य निरीक्षण किसान दिलीप सिंह बताते हैं कि डिजिटल मुहिम से खाद बीज की कालाबाजारी भी रुक गई है। किसी भी काम के लिए विभागों तथा तहसीलों के चक्कर अब नहीं काटने पड़ते। दिव्यांग जितेंद्र कुमार बुंदेला ने बताया कि डिजिटल मुहिम हम लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। किसी चीज को जब पढ़ते हैं उससे ज्यादा आपको तक समझ में आता है कि जब आप उस चीज को सामने देखते हैं तो हम लोगों ने यहाँ प्रैक्टिकली उस चीज को देखा है। जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें देख के समझ आती हैं, तो क्योंकि ये इसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत क्लियरली उस चीज को देखा समझा और जहन में एक तस्वीर बैठ गई तो चीजें आसानी से समझ में आने लगा। तो ये बहुत बड़ा एक हम लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव चीज है। बता दूंगा कि ये डिजिटल क्लासेस कैसे बेनिफिट करती है। डिजिटल क्लासेस से कि पहले तो मैनुअल टीचिंग होती थी। मैनुअल टीचिंग में क्या होता था, बहुत सारी चीजें छूट जाती थी, सब्जेक्ट बेसिस पे होती थी, इंपॉर्टेंट होती थी। और डिजिटल बेसिस में क्या रहता है कि हमारे पास वीडियोस रहते हैं, पीडीएफ रहता है, वर्ड में रहता है और बहुत सारी ऐसी जानकारी रहती हैं जिनको हम हार्ड कॉपी में नहीं दे सकते हैं, तो उससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है। अधिकतर हम लोग सारे कोर्सेज कवर करते हैं यहाँ पे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, और जिससे एनिमेटेड एनिमेशन के द्वारा डिजिटल क्लासेस में क्या होता है कि हम तरह तरह के एनिमेशन होता है टीचिंग मेथड्स के थ्रू बहुत अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है और ये बच्चों को बहुत बेनिफिट भी कर रहा है। और निश्चित रूप से जो डिजिटलाइजेशन का मुहिम चलाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, निश्चित रूप से किसी भी कार्यालय में चले जाइए, हर चीज़ डिजिटल हो जाने से एक तो लिखा पढ़ी में और ऑफिसों के चक्कर लगाना ख़त्म हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन कर दी गई है और विशेषकर पोस्ट पैड जो बैंकिंग सिस्टम शुरू किया है आपका डिजिटल सिस्टम में, तो हर जगह यानी गांव से शहर तक, गलियों तक, मोहल्लों तक एक चीज़ ये आम हो गई है कि अब ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ता। ऑनलाइन आप कोई भी जितने भी ऑफिस हैं जाइए, ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा दीजिए, ऑनलाइन अपना आवेदन कर दीजिए, ऑनलाइन अपनी पोजीशनिंग देख लीजिए, चाहे आपका पासपोर्ट ही क्यों ना हो, हर जगह ऑनलाइन होने से अनावश्यक जो मिडिल मैन थे, दलाल थे या टाउट्स थे, उनकी एक गतिविधियों में काफ़ी हद तक नियंत्रण लगा है। नेपाल राष्ट्र की सीमा से सटे बलरामपुर जिले में बच्चों में कुपोषण यहां की सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी और शिक्षा से ग्रसित जिले का ग्रामीण इलाका कुपोषण की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है।
नीति आयोग के अनुसार लगभग 22 लाख की आबादी वाले इस जिले में 55,000 से अधिक बच्चे कुपोषित और 27,000 बच्चे अति कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। आयोग द्वारा इस पर विशेष चिंता व्यक्त की गई है। कुपोषण को जिले से समाप्त करने के लिए योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं, जिसके लिए आंगनबाड़ी के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य पोषण मिशन के तहत कुपोषित परिवारों को चिन्हित कर उनके बच्चों को जिला मेमोरियल चिकित्सालय में मां के साथ लाकर रखने की पूरी व्यवस्था भी कराई गई है, जहां पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था नियमानुसार कराई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाओं द्वारा जिले में कुपोषण को मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है, पोषाहार तो दिया ही जाता है, उसके बाद अगर अति कुपोषित है तो एनआरसी में उसको रेफर कराया जाता है, एनएम है, और जो बच्चे हमारे अति कुपोषित हैं उनको जो है उनके ये भी ध्यान रखा जाता है कि उनके परिवार को भी थोड़ा सा उनका स्तर ऊंचा किया जाए। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा भी हमारे जिले में पोषण मिशन के लिए काफी प्रयास योजनाएं चलाई जा रही हैं, और जिससे इन योजनाओं के माध्यम से इस तरीके का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जिला जो है वो पिछड़े जिले से मुक्त होकर सामान्य जिले में श्रेणी में आ जाए और हमारे यहाँ के भी जो कुपोषण है वो एकदम से दूर हो जाए। बच्चे आते हैं उनको भी पोषाहार दिया जाता है, जो अपने थोड़ा सही होते हैं उनको डबल पोषाहार देके घर पे ही स्वस्थ होने के लिए उनको कहा जाता है। खान पान पे उन पे ध्यान दिया जाता है, माता पिता को जागरूक किया जाता है कि उनको कैसा देख रेख करें। दवा डॉक्टर के अकॉर्डिंग जितने बच्चे आते हैं कुपोषित उनको यहाँ पे दवा मिलती है, दूध दलिया खिचड़ी जो भी यहाँ पे हम लोग मतलब डाइट के अनुसार दिया जाता है सारी चीज़ें दी जाती है, और उन लोगों को 14 दिन 15 दिन या उससे अधिक भी दिन रखना होता है तो रखा जाता है। उन लोगों को खाना दोनों टाइम और बच्चों को हर एक चीज़ जो भी होता है सब मिलता है। यहाँ सब चीज़ की सुविधा है, हम आए हैं मझगाँव से, और उसके बाद में जो है डॉक्टर लोग बताए हैं जो है यहाँ पर आप लेकर जाइए जो है बलरामपुर में भर्ती कीजिए जो है एक कुपोषित बच्चा है, और उसके बाद में यहाँ पर लेकर जाएंगे तो आपको हर चीज़ लड़की तुम्हारी ठीक हो जाएगी। और यहाँ हमको खाने पीने की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, हमको सब चीज़ मिल रही है, और उसके बाद में बच्चे को भी दूध मिल रहा है, खिचड़ी मिल रहा है, साबुदाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने की कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है हमको, हमको सब चीज़ की सुविधा अच्छी मिल रही है यहाँ पर। इलाहाबाद जिले में आयुष्मान भारत योजना का पहला ऑपरेशन किया गया। इस योजना का लाभ उस परिवार को मिला जो पिछले कई सालों से धन के अभाव में बेटे का ऑपरेशन नहीं करा पा रहा था। इस योजना के मिले फायदे से परिवार अब खुश है, और जिन आंखों में बेटे का इलाज न करवा पाने का गम था उन्हीं आंखों में अब इस योजना के जरिए मुफ्त इलाज से सही हुए बेटे को देखकर खुशी के आंसू हैं। अब पूरा परिवार बच्चे के सही होने के बाद खुश है। वाहिद अहमद अपने बेटे को सही देखकर मौजूदा केंद्र सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। उनका बेटा अकील अब पूरी तरह से ठीक है। PMJAY प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना के तहत दिनांक 24 सितंबर से ये हमारा रजिस्टर्ड है, जो इलाहाबाद CMO के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। जो नीचे तबके के लोग हैं उसमें ये बिलोंग करते हैं, तो कहे डॉक्टर साहब पैसे के अभाव से हम अभी तक ऑपरेशन नहीं करा पाए, डॉक्टरों ने सलाह तो दी थी लेकिन हमारे पास पैसे का चूंकि अभाव था। हम एक टेलर हैं जो एक सिलाई का काम करते हैं। PMJAY स्कीम है और जन आयुष्मान योजना, इसके अंतर्गत उसका हम लोगों ने ऑपरेशन किया और बच्चा अभी पूरी तरह स्वस्थ है, बच्चा अभी खा पी रहा है और जो उसकी कौड़ी है वो अपने नॉर्मल पोजिशन पे आई है। आयुष्मान भारत की योजना भले ही किसी को फायदा दे या न दे, लेकिन मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखने वाले अकील का परिवार इस योजना से बहुत खुश है कि उनका ये दर्द लगभग 10 सालों से पैसे न होने की वजह से दबा था, आज सरकार की इस योजना ने उनके वर्षों पुराने दर्द को खत्म कर दिया। परिवार तहे दिल से अपनी सरकार का शुक्रगुजार है। दिक्कत थी मेरे बेटे को जो है, इसके पेट में तकलीफ रहती थी, मैं इधर उधर जो है आता जाता था, मुझको कहीं जो है इसका इलाज सही तरीके से मिला नहीं। मैं यहाँ अंकुर हॉस्पिटल में जब आया, डॉक्टर राजीव सिंह से मिला और उनके स्टाफ से, तो फिर अपना जो है बताया गरीबी, तो उन्होंने जो है हमारे लिए जो है एक मोदी जी के जो कानून बनाए जो गरीबों के सहायता के लिए जो योजना निकाले, उसी योजना के तहत हमारे लड़के का जो है इलाज हो गया, ऑपरेशन हुआ और सही तरीके से सफलता मिली हमको। योजना अच्छी थी, हमारे बेटे का इलाज अच्छा हुआ है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के डिजिटल इंडिया का सपना अब बुंदेलखंड के ललितपुर में पूरा होता दिखाई देने लगा है। विद्युत विभाग के प्रयासों से अब ग्रामीण क्षेत्र के 60,000 से अधिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को उनके अपने ही गांव में घर के नजदीक नेट बैंकिंग के द्वारा एम पैसा एप्स एवं कमांड सर्विस सेंटर के माध्यम से मुफ्त में बिजली बिल जमा हो रहा है। पटौआ जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अब यहां के किसान, छात्र एवं मजदूरी करने वाले लोगों को अपने बिजली के बिल का भुगतान, छात्रवृत्ति के फार्म, राशन कार्ड बनवाने, आधार कार्ड बनवाने और पैसा जमा एवं निकासी के लिए अपने विकासखंड विरधा तथा ललितपुर मुख्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। बिजली का बिल जो हम अपना काम छोड़कर ललितपुर भरने जाते थे वो यहीं सेंटर खुल गया है, सो यहीं जमा कर देते हैं और हमें ये सुविधा हो गई कि बिजली का बिल यहीं जमा कर देती है। सेंटर से शहर नहीं जाना भटकता पड़ता है, ना काम छोड़ना पड़ता है, जो उतने जमा हो तो सो इतने जमा हो जाए। और स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए पहले हमें शहर जाना पड़ता था जिसके लिए बहुत टाइम लगता था और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। अब यहाँ पे इसकी सुविधा हो गई है इसलिए हम लोगों का जल्दी स्कॉलरशिप फॉर्म भर जाता है और जल्दी ऑनलाइन। यहीं से पैसा निकाल लेते हैं, यहीं से जमा कर लेते हैं और यहीं से वो जमा होती है, आधार कार्ड भी बन जाते हैं और यहीं से ऑनलाइन भी होता है। मंगू से और मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूँ। यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाने से हम पैसे का लेन देन कर लेते हैं, छात्रवृत्ति ऑनलाइन और कोई यूनिवर्सिटी को खोल लेते हैं। गांव के लोगों को शहर नहीं जाना पड़ता है, यहीं काम कर लिया जाता है। इस टाइम हम लोगों का जो बहुत सीधा निर्देश है कि ग्रामीणों को सही बिल निर्गत करने हैं और उनकी वसूली ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ानी है। शहरों में तो क्योंकि लोगों के पास शहरों में काउंटर रहते हैं, पास में ही रहते हैं तो जमा कर ईजिली कर देते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो काफ़ी दूरी पर रहते हैं उनको बिल जमा करने के लिए बहुत असुविधा रहती है, जिस कारण वो समय से बिल नहीं जमा कर पाते और हमारे जो निर्देश है उसको पालन हम नहीं करवा पा रहे। तो इसी कदम में जो डिजिटल इंडिया के बढ़ावा देते हुए काफ़ी सारे ऐप्स और ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लोगों को बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। योगी सरकार में खनन पर प्रतिबंध लगने के बाद भी बरेली में खनन माफियाओं ने खनन का एक नया तरीका इजाद किया है। खनन माफियाओं ने अब पाइपों के जरिए जमीन के अंदर से खनन करना शुरू कर दिया है। खनन माफियाओं ने इस नए तरीके से कुछ ही महीनों में खनन वाली जगह पर 60 से 70 फीट गहरा एक तालाब बना डाला। इस गड़बड़ झाले के लिए ताज स्टोन क्रेशर और अन्य खनन माफियाओं ने खेत किराए पर लिया जिसका वो 75,000 रुपये प्रति महीना किराया भी देते थे। उस खेत के चारों तरफ गन्ने के खेत थे ताकि किसी को इस खनन का पता न चले। खनन का काम यहां दिन रात किया जा रहा था। रोजाना 40 से 50 ट्राली बालू को यहां से सप्लाई किया जाता था। पुलिस को जब इसकी भनक लगी तो खनन अधिकारियों के साथ वहां छापा मारा। छापे के दौरान पाइप से बालू निकल रही थी और दूसरे पाइप से पानी वापस भेजा जा रहा था। ट्रालियों डंपर से बालू सप्लाई किया जा रहा था। वहीं मौका पाकर खनन माफिया फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने खनन करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल, मशीनों एवं उपकरणों के साथ कंपनी को सील कर दिया है। साथ ही पीएसी तैनात कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। आईडी के अंतर्गत जो ताज स्टोन क्रशर्स हैं उनके द्वारा वहां पर जमीन में पाइप डाल के खोदकर वहां पे सैंड माइनिंग की जा रही थी, जिसके खिलाफ उनके यहाँ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसमें खान एवं खनिज विकास का विनियम अधिनियम 1957 की धारा 3, 4 एवं 21 के अंतर्गत एवं उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के अंतर्गत धारा 3 एवं 57 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इसमें मौके पर पुलिस भी गई है और वहाँ पर हमारी पुलिस बल भी लगा हुआ है, उनका सारा सामान सीज कर दिया गया है और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी जन आरोग्य योजना के तहत अलीगढ़ जिले में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अंतर्गत 2011 के डाटा में चयनित लाभार्थी परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। आशा व एएनएम तथा आंगनवाड़ी के द्वारा घर घर जाकर सूची को संशोधित कर पुनः अपडेट किया जा रहा है। इसके तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 1,48,436 तथा शहरी क्षेत्र के 84,077 परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा।
इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष मुफ्त इलाज का लाभ चिन्हित अस्पतालों में मिलेगा। इनमें अब तक 5 सरकारी व 17 प्राइवेट अस्पतालों का चयन किया गया है। चिन्हित अस्पताल की जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर पर या ई गवर्नेंस के द्वारा पता किया जा सकता है। इसमें लाभार्थी परिवार के हर व्यक्ति का गोल्डन कार्ड बनेगा, जिससे वो अपनी बीमारी का इलाज करा सकेगा। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत एक लाभार्थी पूरक योजना है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के द्वारा पूरे भारतवर्ष में करीब 50 करोड़ लोगों को फायदा होने जा रहा है। इस योजना का हमारे जनपद अलीगढ़ में शुभारंभ जो है 30 अप्रैल 2018 को माननीय प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राणा जी के द्वारा किया जा चुका है। इस योजना में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 1,48,436 लाभार्थी परिवार तथा शहरी क्षेत्र में 84,077 लाभार्थी परिवार चिन्हित किए गए हैं, जिनका सत्यापन कर हम लोग जो है सूची भेज चुके हैं। जी, मेरा नाम इरफान अंसारी है, मैं खुर्जा का रहने वाला हूँ। मेरे पित की पथरी थी पित में। मैं अलीगढ़ जीवन ज्योति हॉस्पिटल आया, वहाँ मैंने प्रधानमंत्री योजना से फायदा उठाया। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने हम गरीबों के लिए ये योजना निकाली। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याण इस योजना से गरीब जनता को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। 20-22 लोगों ने हमारे यहाँ गोल्डन कार्ड बनवा लिया है, और भी हमारे यहाँ एक शारदा देवी अभी आज भर्ती हुई हैं, जिनको की बच्चेदानी में रसौली है, जिनका की आज शाम को ऑपरेशन होने वाला है। और अब खबर क्रिकेट के मैदान से। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर आज से शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी शुरू की। वेस्टइंडीज की टीम पिछले 24 वर्षों में भारत की सरजमीं पर पहली बार टेस्ट मैच जीतने की कोशिश करेगी। वहीं भारत की नजर इस सीरीज को जीतकर नंबर 1 रैंकिंग को बरकरार रखने की। मूल्य को बढ़ाने की कैबिनेट बैठक में दी गई मंजूरी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का किया समर्थन। बसपा प्रमुख मायावती ने विपक्ष के महागठबंधन को दिया करारा झटका। इस वर्ष के अंत में 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस किसी भी तरह के गठबंधन से किया इनकार। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से हुआ शुरू राजकोट के मैदान पर। भारत ने टॉस जीतकर शुरू की बल्लेबाजी। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ। नमस्कार।